हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 647 में है, अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गया है। 679 इसका 52 वीक हाई है। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ट्रेड रह सकता है। एक नज़र डालेंगे पिछले Q4 के रिजल्ट में और टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। कंपनी ने अब की बार जो चौथी तिमाही का रिजल्ट आया था तो डिविडेंड भी दिया है, तो सारा डिस्कशन, सारी चर्चा इस वीडियो में करते हैं ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में। किसी के भी पोर्टफोलियो में तो आने वाले समय में और तेज़ी की संभावना रहेगी, बट ये है कि कहाँ पे स्टॉक पिक करना चाहिए थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ समय पहले देखिए ये लोअर लेवल पे था, लगभग 530-540 के आसपास था, तो बहुत सारे निवेशकों को एक तरह से बताने की कोशिश थी इसको देखना चाहिए, और HDFC बैंक भी नीचे की तरफ था तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ आए हैं। अब देखिए प्राइस परफॉर्मेंस क्या है ICICI बैंक का। पिछले एक साल में 122% का रिटर्न मिला है। अब किसी ने भी पिछले साल अगर इसको पोर्टफोलियो में रखा होगा तो बेहतरीन रिटर्न मिला है दोस्तों, और 3 साल का रिटर्न है 119% का। तो आने वाले समय में ग्रोथ की बात आएगी, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 22,299 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ था, और पिछले साल था 21,740 करोड़ का, दिसंबर के क्वार्टर में 22,213 करोड़ का, यानी आसपास ही था। और प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट इनका ज़बरदस्त रहता है, 5,277 करोड़ का प्रॉफिट था अब की बार चौथी तिमाही में, उसके पहले 6,219 करोड़ का था, और पिछले साल का जो प्रॉफिट था 1,613 करोड़ का था, वहाँ से बढ़कर 5,277 करोड़ तक पहुँचा है। और बट ये कि दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम था। ग्रॉस अनपेड, नेट अनपेज भी इनका कम ही रहता है। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,47,000 करोड़ का है इस वक्त, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू 194 रुपया का है, और अब की बार डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स को, तो अच्छा बैंक है ये। और इसमें नज़र ज़रूर रखना चाहिए जब भी इसमें करेक्शन हो, और जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तो एक तरह से टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों ये ICICI बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स हैं डेली के, और पिछले फरवरी जनवरी से इसका ट्रेंड देखते हैं किस तरह का रहा है। 647-648 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो कोई भी अच्छा स्टॉक अगर ट्रेड करते हैं आप लेना चाहते हैं, देखिए अभी क्या है कि पिछली बार तो ट्रैप हो गए थे बहुत सारे लोग, 680 इसने हाई बनाया था, और यहाँ पे एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति, देखिए ये ओवरबॉट की स्थिति आ गई थी। चार्ट के अनुसार जो कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी की है इसमें काफ़ी लोगों ने, जो पिछले साल 300-350 के आसपास जिन्होंने लिया, तो कुछ समय के बाद ये नीचे की तरफ दिखा लगभग 530-540, तो यहाँ पे एक वीडियो बनाने की कोशिश थी कि ये बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा जिनके पास समय है, तो अब ऊपर की तरफ आ गया, तो जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए थे तो उनका एक तरह से भाव भी आ गया। देखिए अब ये 646 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो एक इसका जो ऊपर का टारगेट जैसे कि 656, उसके बाद हमें फिर 664, और उसके बाद ये 52 वीक हाई भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों अगर इसको एक साल भर या फिर कुछ समय के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको भी क्या है कि ये 700 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा हमें ICICI बैंक लिमिटेड। अगर आपको पसंदीदा स्टॉक है ये, अगर पसंद करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छा बेनिफिट दे सकता है ये, बट स्टॉक को ख़रीदना कब चाहिए, थोड़ा सा ये कि करेक्ट हो जाए, किसी दिन अगर मार्केट में फॉल आता है तो करेक्ट होता है, डेफिनेटली इसको नज़रों में रखना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी न्यू इन्वेस्टर से इस वीडियो को देख रहा है तो बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे कि प्राइवेट में आप HDFC बैंक, ICICI बैंक हो गया, और PSU बैंक में जैसे कि SBI, करेक्शन होता है तब जरूर इन बैंकों को कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से अपना बाय करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। फिलहाल ICICI बैंक की और बुलिश मोड में बना हुआ है, हो सकता है कि अपना 52 की हाई भी ब्रेक करे और 700 की तरफ जाता हुआ दिखे। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो उनको 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो मुनाफा वसूली भी करना चाहिए, और जिन्होंने अभी जो गिरावट में लिया है अभी अप्रैल के महीने, पिछले महीने में, तो उनका स्टॉप लॉस दोस्तों एक तरह से जैसे कि आज का लो है 643 रुपया, और उसी के आसपास अब स्टॉक प्राइस आ गया है। अभी वीडियो बनाते बनाते अभी 646-647 पे कारोबार कर रहा था ये, तो एक तरह से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 633-630 का होना चाहिए, और उसके नीचे अगर फिसलता है तो थोड़ा सा इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, और ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है लगभग 624-620 तक, तो यहाँ से मान के चलिए कि 20 पॉइंट नीचे की तरफ, अगर ये इसके नीचे अगर ये लुढ़कता है, 620 से नीचे की तरफ लुढ़कता है
तो फिर उसके बाद सपोर्ट 200 नीचे की तरफ का होगा, 587 दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक तरह से खरीदारी करनी चाहिए, इस लेवल पे इसको खरीदारी, अगर हमको खरीदना होगा तो इस लेवल पे खरीद लेंगे दोस्तों, जैसे 587 या फिर ये जो ड्रॉप आया था इसके बीच में अगर दिखेगा तो डेफिनेटली इसको फिर बाई करना चाहिए। अच्छे कंपनी के स्टॉक को अगर हम लोअर लेवल पे खरीदते हैं ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अब देखिए ये जो ड्रॉप आया था, अगर किसी ने यहाँ पे लिया 12/4/2021 का डेट था ये, और वहाँ से आज का जो डेट है 25/5/2021, यानी वैसे आप मान के चले गए 40-45 दिन में ये एक तरह से 100 रुपया ऊपर की तरफ है, तो बेनिफिट तो है। अब किसी ने 50 लिए 100 लिए तो है, ये 45 दिन में अच्छा खासा बेनिफिट है, तो अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार जो कारोबार करते हैं तो 63 में, अभी ये डाउन से लगभग 34 से 63 में पहुंचा है, जब ये 70 और 75 के ऊपर अगर जाएगा तब एक तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो RSI के अनुसार कारोबार करेंगे। तो मान के चलिए कि अगर नया हाई अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से 700 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ICICI बैंक का जो प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस और विश्लेषण देखते हैं तो Q4 का रिजल्ट एक तरह से अच्छा आया था और स्टॉक प्राइस गिर कर ऊपर की तरफ है, बुलिश मूड में है, तो अपना 52 एक हाई भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, जिनके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक है, तो उनको बने रहना चाहिए, और जो चार्ट के अनुसार कारोबार कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, T+5 T+7 के लिए, तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट भी अगर मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से बने रहना चाहिए इसमें, और डिविडेंड भी मिलेगा और आने वाले दिनों में रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और एक सेंटिमेंट सुधरेगा, अनलॉक की बात होने लग गई है, जो अभी सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही है। तो ICICI बैंक एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, और ये कि फॉल अगर आता है जब, जैसे कि अभी चार्ट के अनुसार हमने देखा, तो तब इस पर फिर बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और अप्रैल के महीने में जिस तरह से गिरा था अभी देखिए 100 रुपये ऊपर है, तो फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं वो भी इस तरह का देख सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के बाद स्टॉक प्राइस का भी ध्यान रखना चाहिए, एक पॉइंट ये भी है दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है, स्टॉक मार्केट की जानकारी नॉलेज सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।